वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से परफेक्ट होंगे। तो फैमिली, जो लोग भी चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और फैमिली, सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करो, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो गाइज, आज पता है मैं क्या करने वाली हूँ? हमारे जितने भी कबूतर हैं जाल के और साथ में पेटी के, गाइज आज मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना इन सबको नहला दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि गाइज काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है। जब भी मैं इनके लिए सकोरे में पानी रखती हूँ, देखिए छोटा सकोरा रखा था मैंने, ये बीच के साइज का इनके लिए सकोरा ला कर रख दिया, लेकिन ये इसमें ना पानी पीने के बजाय नहाने की कोशिश करते हैं बार बार। तो मुझे लग रहा है कि अभी इनको नीड है, ये बहुत दिनों से नहाने की कोशिश कर रहे हैं, नहाना जा रहे हैं। तो आज मैं देखिए इनके लिए मिनी पूल लेके आई हूँ। ये इन्हीं का मिनी पूल है जिसमें ये अच्छे से इंजॉय करेंगे और नहाएंगे भी। तो फटाफट से मैं इसके अंदर पानी फुल कर देती हूँ और उसके बाद अपने कबूतरों को खोल देती हूँ ताकि ये इसके अंदर नहाए और अच्छे से इंजॉय करें, क्योंकि गाइस धूप भी काफ़ी तेज निकली हुई है और मौसम भी ठीक ठाक बना हुआ है। अभी मैंने अपने कबूतरों के लिए मिनी पूल तो बना दिया है, स्पेशली ये टब मैंने इन्हीं के लिए लिया था। और अब ना मैं जल्दी से इनको खोल भी देती हूँ ताकि ये बाहर आकर इसमें मस्ती कर सके, नहा सके। और गाइस सोच बताओ ना, तो कुछ कबूतर हमारे ऐसे हो गए जो एकदम से व्हाइट कलर के हैं ना, वो बहुत दिन से ना नहाने की वजह से एकदम मटमैले से हो गए हैं। तो देखना वो भी एकदम से नहा के ना पानी में एकदम से निखर जाएंगे। तो अब जल्दी से खोल देती हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि कैसे इसमें मस्ती करेंगे। जब ये कुछ अलग अलग अठेलियाँ करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इनको देखकर, कुछ ना कुछ ये नया करते ही रहते हैं। तो पहले मैं पेटी वाले कबूतर खोल देती हूँ, उसके बाद जाल वाले खोलूँगी। कबूतरों को मैंने सभी को खोल दिया है, जाल के भी और पेटी के भी, और देखिए बाहर आकर सभी अलग अलग मस्ती करने लगे हैं, सीधे वहाँ जाकर बैठ गए हैं। तो गाइस वैसे तो जब मैं इनको छोटे सकोरे में पानी देती हूँ ना, तो ये पानी तो बहुत कमी से पीते हैं और सीधा उसमें नहाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अभी देखिए इतना सारा पानी देख रहे हैं यहाँ पर पूल में, तो अभी देखिए सब एकदम से बैठ के सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो कुछ ने तो पानी पी लिया है और बाकी अभी ये सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो देख लेना, अभी थोड़ी देर में बस इसके अंदर डुबकी लगाने वाले हैं, अभी पहले सोचेंगे उसके बाद डायरेक्ट इसमें इसमें डूब जाएंगे। तो खैर गाइस, कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम अपने कैमरा मैन से मिलाया और आप लोगों को उनसे मिलकर काफी खुशी भी हुई, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली की इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स मैंने देखी और साथ में मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैंने कैमरा मैन को भी आप लोगों की हुई कमेंट्स सभी पढ़ाई, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और तारीफ़ तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की हमेशा से ही करते हैं। और अभी भी मैंने उनको बताया कि सब लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा जानकर। और अभी भी शूट चल रहा है तो वो मेरे सामने ही है गाइस, और हल्की हल्की स्माइल भी कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। और बाकी अभी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो वीडियो देख ली है और बाकी अभी कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अभी वीडियो नहीं सीन की है, तो वो वन बाय वन सभी चेक कर रहे हैं और उसी तरह से सभी की रेगुलर कमेंट्स भी आ रही हैं। और यहाँ पर देख लीजिए गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे सभी कबूतर देखिए पानी के चारों तरफ आकर बैठ गए हैं और यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी कर रहे हैं और अब धीरे धीरे पूल में उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। देख रहे हैं गाइस,
मतलब यहाँ पर भी इनकी फाइट चल रही है। छोटे सा बोरे में तो चलो मैं सोच भी लूँ कि हाँ लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नहाने नहीं दिया जा रहा है, अब इतना सारा पानी रख दिया यहाँ पर भी लड़ रहे हैं कि कैसे पहले मैं नहा लूँ या फिर पहले मैं नहा लूँ। करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन गाइस वो ऐसा है ना, पहले से मौसम में थोड़ा तो चेंज आ ही गया है, पानी अभी हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, तो अभी थोड़ा थोड़ा सोच भी रहे हैं। ये देखिए गाइस सबसे पहले हमारा ब्राउनी उतरा है पानी के अंदर, और अब देखिए बंद गाइस बादल तो नहीं कितना छोटा है, अब देखिए सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा है पानी के अंदर गाइस बादल बादल ना मुझे कभी कभी तो बहुत ज्यादा, मतलब बादल को लेकर मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ और मुझे हंसी आती है इस बात पर कि बादल इन सब में सबसे ज्यादा छोटा है लेकिन मस्ती सबसे ज्यादा करता है। बाहर भी जब निकल जाता है तो इतने इतने राउंड लगाता रहता है ये कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। और अभी भी देख रहे हैं, अभी तो गाइस पता नहीं इसके पर भी हल्के ही है, इसकी बॉडी पर धीरे धीरे पर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे पर बनते जाएंगे वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा आगे। ये देखिए गाइस अभी देखना सब एक साथ इसी के अंदर बैठने वाले हैं, अभी एक एक करके चेक कर रहे हैं पानी का टेम्परेचर कैसा है। हमारी ब्लैक काली दुबाज कबूतरी भी कर चुकी है देखिए पूल के अंदर, यानी कि हमारी जो झुमरी है, और ब्राउनी भी देखिए बार बार पानी के अंदर उतर रहा है और बार बार बाहर निकल जाता है। ये देखिए और सबसे ज्यादा मस्ती झुमरी की चल रही है पानी के अंदर, बाकी तो सब चेक कर करके बाहर आ रहे हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा नहाने में लगी हुई है। और गाइस देखिए अब ना धीरे धीरे पानी भी गंदा होने लगा है, क्योंकि मैंने बताया ना काफी दिनों से बहुत ज्यादा गंदे हो रखे थे और बीच में बारिश वगैरह भी हो गई थी, तो बारिश में तो और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अब देखिए जब सब इसमें एक साथ नहाने में लगे हुए हैं तो पानी भी देखिए पूरा इन्होंने खराब करके रख दिया है, पर कोई नहीं ये ठीक भी है क्योंकि गाइस मैंने ना काफी टाइम से इनको नहलाया भी नहीं था, और अभी देखिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गर्मी में से कहीं आई, मतलब मैं गर्मी में से आकर बैठी हूँ और एक तरह से मैं खुद स्विमिंग पूल के अंदर हूँ, या फिर मुझे कुछ ठंडा पानी पीने के लिए मिला है और एकदम से राहत मिली है। ये नहा रहे हैं इनको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और गाइज वहां पर देखिए हमारा जो मस्जिद है ना वो भी धीरे धीरे देखिए पूल की तरफ आने लगा है, और ये देखिए किस तरह से मार रहा है दुबाज कबूतरी को। गाइज मस्जिद भी ना कुछ कम नहीं है, ये बादल जैसा जितना चालाक है ना उतना ही मस्जिद भी, और दोनों को ही हमने अपनी छत से पकड़ा था। ये देखिए पानी के अंदर उतर गया है, अभी गाइज पहले काफी दूर बैठा हुआ देख रहा था बाकी कबूतरों को, और जैसे ही इसने देखा सब नहाने में लगे हुए हैं तो आपने भी फटाफट से एंट्री कर दी। ये देखिए गाइस हमारा जो मस्जिद है ना वो फर्स्ट टाइम नहा रहा है ऐसे पानी के अंदर, क्योंकि अभी तक मैंने इनको इतना ज्यादा पानी दिया भी नहीं था नहाने के लिए, काफी टाइम पहले दिया था लेकिन तब मस्जिद नहीं था हमारे पास। ये देखिए मस्जिद फुल मस्ती चल रही है पानी के अंदर, और यहाँ पर देखिए हमारी लकी कबूतर को फाइट तो इनको करनी करनी है, चाहे मैं इनको फीड कराऊं चाहे पानी पिलाऊं, और देखिए नहाने की बात चल रही है तो यहाँ पर भी इनकी फाइट चल रही है। अभी हमारे सभी कबूतर लगे हुए हैं पूल पार्टी करने में, और देखिए सभी की पार्टी एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही है और सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। तो अभी तो इनकी मस्ती वैसे भी ऐसे चलने वाली है क्योंकि बहुत टाइम बाद इनको मैंने ऐसे इतना ज्यादा एंजॉय कराया पानी के अंदर, तो पता नहीं अभी कितना लंबा चलने वाला है ये। तो लेकिन ना गाइस मुझे आज जरा थोड़ा काम है तो मुझे अभी जाना होगा, तो आज आप लोगों को इतना ही समय दे पाऊंगी, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिलीज का परिंदों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।